पहले तो हम इंडिया को 10 विकेटों के साथ जीतने की मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो क्रिकेट की दुनिया में काफी कुछ हो रहा है। बांग्लादेश ने पहल लिया अफगानिस्तान को बहुत ही अच्छे तरीके से। खैर, आज हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस नेपाल का जो मैच हुआ। यार, रोहित शर्मा ने जीत के जो बॉलिंग का फैसला किया है, मेरे ख्याल से वो गलत किया, क्योंकि एक छोटी टीम के खिलाफ अच्छा चांस होता है कि आप स्कोर कर सको, आप अपना रिकॉर्ड बना सको, सेंचुरी वगैरह वगैरह। खैर, किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन चांस था नेपाल के खिलाफ उनको अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने का, अपनी खुद को टेस्ट करने का, जो कि ये नहीं कर सके। अच्छा, हमको सिखा रही है ये गलती, क्योंकि टॉस के बाद इन्होंने की बॉलिंग चूज। ठीक है, खैर बॉलिंग चूज कर दी, उसके बाद आए जब ये फील्ड में तो बहुत ही घटिया फील्डिंग थी इनकी। जो इंडिया की फील्डिंग भी मैं कहता हूँ इंतहाई थर्ड क्लास, लग ही नहीं रहा था कि ये कोई इंटरनेशनल टीम खेल रही है। तो इसी के साथ फिर फील्डिंग जब घटिया होने के साथ साथ काफी शुरू में 3 कैचेस ड्रॉप किए। इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप गई 65 की, लेकिन बॉलिंग बहुत ही गंदी हो रही थी। मोहम्मद सिराज को बहुत मार पड़ी है, और 65 की भी इसलिए गई क्योंकि फील्डिंग बहुत गंदी थी। फील्डिंग अगर अच्छी होती तो शायद सिनेरियो कुछ और होता, और जो इनकी फास्ट बॉलर को मार पड़ रही थी वो फिर इनके स्पिनर्स ने कवर किए इनकी टीम को, और कुलदीप यादव और जडेजा ने इनको एक बैकअप दिया, एक अपनी टीम को दोबारा वापस लेके आए गेम में। कुलदीप यादव की काफी अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन लिटिल बिट अनलकी रहा वो, उसको कोई विकेट नहीं मिली। 34 रन्स के उसका पूरा स्पेल गया, उसको विकेट नहीं मिली, और जडेजा को 3 विकेट्स मिली, 40 रन्स का उसका टोटल स्पेल गया। जब हम स्पिनर्स की बात कर ही रहे हैं तो इनका युजवेंद्र चहल सिंह है इनमें से, जो कि मेरे ख्याल से और काफी एक्सपर्ट्स के ख्याल से भी इनकी टीम में होना चाहिए, बहुत अच्छा स्पिनर है वो। और बारिश ने तो खैर बहुत ही तमाशा लगाया हुआ था पूरी गेम में, बारिश ने धूम मचाई थी। 2 दफा बेचारे वो कवर ले गए आए ग्राउंड में, बारिश आई और लेस देन अ मिनट बारिश गायब, वो कवर ले गया है, कवर लेके वापस चले गए। लेकिन जब 3री दफा बारिश हुई तब तक नेपाल की बैटिंग खत्म हो गई थी, 230 का टारगेट दिया था उन्होंने। और फिर जब बारिश हुई तो इंडिया के फेवर में चला गया डीएलएस मेथड इसलिए फेवर में चला गया, उनके हिस्से में 148 रन जो कि उन्होंने बनाने थे 23 ओवर्स में। इंडिया का प्रिंस फॉर्म में आ गया, और साथ हिटमैन रोहित शर्मा, जो वो उनको हिटमैन कहते हैं, वो छोटी टीम्स के खिलाफ आ गए फॉर्म में। इंडिया का जो प्रिंस है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉल को टिक कैसे करना है, लेकिन छोटी टीम के खिलाफ खैर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हर एक प्लेयर का एक दिन होता है। तो लेकिन ये प्रिंस उन्होंने हाइप बनाई हुई है, खैर वो उनकी अपनी सरदर्द है। वो दोनों अच्छे टच में नजर आए और 10 विकेटों के साथ इंडिया को मैच जितवा दिया 148 चेज करके, उन्होंने 23 ओवर से भी पहले चेज कर लिया। डीएलएस मेथड काफी हद तक इंडिया की फेवर में गया। शुरू में तो नेपाल की बॉलिंग अच्छी थी काफी, पहले ओवर में रोहित शर्मा आउट होते होते बचे 2 से 3 दफा, तो लेकिन फिर बारिश आई और बारिश के बाद जो हुआ वो नेपाल के साथ बहुत बुरा हुआ। खैर नेपाल भी काफी, नेपाल का फ्यूचर ब्राइट है क्रिकेट में, होप्सो के ये एक मजबूत कमबैक करेंगे हर टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ ही नहीं हर टीम के खिलाफ अच्छा खेलेंगे, और एक अच्छी क्रिकेट, हमें पॉजिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो यार इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।